गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का नैतिक शिक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दान की पात्रता। इस पाठ में दान का महत्व बताया गया है कि दान किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए। वैसे तो हमारे देश में दान करने वालों की कमी नहीं है। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हैं जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर दान दिया है। उनमें से जैसे हैं महर्षि दधीचि, राजा हरिश्चंद्र, राजा हर्ष, राजा शिवी, दानवीर कर्ण आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दान दिया है। एक समय की बात है, महर्षि दधीचि जो थे उन्होंने इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया। तो वह वज्र किससे बना? महर्षि दधीचि की जो अस्थियां थी उन्होंने योग साधना के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करके अपने हड्डियों को दान में दिया और उस हड्डियों से इंद्र का वज्र बना। ठीक इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी हैं जिन्होंने दान की महिमा को कायम रखने के लिए न केवल अपने राजपाट को दान किया बल्कि अपने स्वयं को भी बेचा और अपने परिवार को भी बेचकर दान को कायम रखा। इसी प्रकार कर्ण है, दानवीर कर्ण जो पांडव से है, पांडव का नाम सुना है, कौरव पांडव का, तो पांडव के बड़े भाई हैं दानवीर कर्ण। इन्होंने अपनी कुंडल और कवच जो उसके शरीर में लगे हुए होते थे उनका भी दान किया। तो ये तो थी बातें पुराने समय की, लेकिन अब दान का महत्व बदल गया है। अब दान देने के नाम से सब अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। कहते तो हैं कि हमें इस क्षेत्र में दान चाहिए, हमें शिक्षा के क्षेत्र में दान चाहिए, हमें अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए दान चाहिए, परंतु उसका सही उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, परंतु आज की स्थिति में ये कहावत उल्टी हो गई है कि 99 मछलियां तालाब को गंदा करती है। अब उस एक मछली को कैसे ढूंढे? कहने का तात्पर्य यह है कि आज भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी ये सब चारों तरफ फैल चुका है। इसमें कोई एक मनुष्य हो सकता है जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता हो, जो ईमानदारी से दान करता हो। एक समय की बात है, एक राजा जैसे ही सुबह होती थी, जैसे ही दिन निकलता था, वह सभी लोगों को भोजन कराता था और भोजन करने की जब सूचना मिलती थी तो हर प्रकार के व्यक्ति, बड़े बच्चे, जवान, सभी व्यक्ति, सभी इंसान आते थे और भोजन करके जाते थे और राजा को धन्यवाद करते थे। राजा का एक पुत्र था। कुछ दिन के बाद राजा की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र ने भी यही परंपरा अपनाई। उन्होंने भी हर दिन हजारों की संख्या में सभी इंसानों को भोजन कराया। एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा आए, जो राजा, मतलब जो वर्तमान के राजा थे, वो उसके आत्मा से बात करवाने लगे। तो वह जो उसका पुत्र था वो अपने पिता से बात करने के लिए इच्छुक बताया। तब उस महर्षि ने उसके पिता की आत्मा को बुलाया तो उसके पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आप स्वर्ग में कैसे हो? तो उसके पिता ने यह कहा कि मैं स्वर्ग भी नहीं, नरक में हूँ। ऐसा कहते ही वो गायब हो गया। तब उसके पुत्र ने उस महर्षि से पूछा कि मेरे पिता ने तो हजारों की संख्या में हर रोज दान करते थे, भोजन कराते थे, फिर वो स्वर्ग में क्यों नहीं है? तब वह महर्षि ने कहा कि तुम्हारे पिता जब भोजन कराते थे तो वो नवयुवक को भी भोजन कराते थे जो हष्ट पुष्ट होते थे, इसलिए वो आराम से बैठे बैठे खाना खाते थे, तो वह आलसी हो गए और इसी अपराध के कारण वह नरक के भोगी हो रहे हैं। जैसे उसके पुत्र ने सुना तो उन्होंने भी यह परंपरा छोड़ दी।
तो बच्चों इस पाठ से हमें यह खास शिक्षा मिलती है कि दान देना अच्छी बात है, पर दान हमेशा योग्यता, जिसको उस चीज की आवश्यकता है, जो सचमुच उसके योग्य है, उसको देना चाहिए। तो इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर और ब्रेक एक्सरसाइज है, ये आपको बुक में ही मिल जाएगी। इसका पीडीएफ आपको भेजा जाएगा और इसमें जो टिक लगा है आंसर का, आप इधर देखकर टिक लगा लीजिएगा। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।